गुड मॉर्निंग वेलोर में आज तीसरा दिन। आज हम जा रहे हैं जल कंटेश्वर मंदिर। होटल से निकल गए हैं। यह मंदिर वेलोर सिटी से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और तेज धूप गर्मी उमस के बीच सफ़र जारी है। हम रास्ते में हैं तो चलिए चलते हैं जल कंटेश्वर मंदिर। हम मंदिर पहुंच गए हैं। यह द्रविड़ शैली में बना बहुत ही भव्य मंदिर है। इस मंदिर का नाम जल कंटेश्वर मंदिर है। इसका मतलब है जल में विराजे भगवान। शिव भगवान को समर्पित यह मंदिर उनके लिए बनाया गया है। यह मंदिर का अंदर का परिसर है। इसमें एक छोटा सा सरोवर है जो पानी से भरा हुआ है। मुख्य मंदिर का गेट जो पूरा भव्य है, मंदिर रूप में ही है। बहुत ही सुंदर कलाकृति से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। बड़े बड़े पत्थरों और शिलाओं से मिलकर इसको बनाया गया है। इस मंदिर के बारे में, मुख्य मंदिर यही है, भगवान की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगरम के राजा सदाशिव महादेव महाराज जो थे, उन्होंने 1540 से लेकर 1572 तक जो इनका शासनकाल था, उस शासनकाल के दौरान उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और अब इस मंदिर को वेलोर प्रशासन के द्वारा, उसकी समिति के द्वारा चलाई जाती है। यह मंदिर का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पे एक ज्योत जल रही है। यह सीढ़ियों से नीचे उतरकर मंदिर में जाते हैं। बड़ा परिसर है और भव्यता इसकी बहुत है। और भी आगे देखेंगे हम लोग। चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं। लोग बैठे हुए हैं, आइए अंदर चलते हैं। मंदिर का यह हरा भरा परिसर प्रसादालय है। यहाँ श्रद्धालु जब आते हैं तो ऊपर का जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठ के प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ का जो अन्न प्रसादम है वो ग्रहण करते हैं। I'm
जय जय शंकरी गौरी कृपागर दुख निवारणि कामाक्षि कलयाद कल्वियुम குறையாத வயதமோர் கபடு வராத நட்பும். गुड इवनिंग, वेलोर में चौथा दिन और आज मेरी ट्रेन भी है। हम होटल से निकल गए हैं और अब काटपाड़ी स्टेशन के रास्ते में हैं। वेलोर सिटी होते हम पहुंच रहे हैं काटपाड़ी रेलवे स्टेशन। शाम 6:30 बजे धनबाद LAP एक्सप्रेस है, उसी ट्रेन से रांची जाना है। तो बाय बाय वेलोर सिटी। अब हम रास्ते होते हुए पहुंच रहे हैं स्टेशन। हेलो, वापस अब हो रहे हैं। आज शाम में ट्रेन है, अब हम चलते हैं। यहाँ काटपाड़ी स्टेशन पे आ गए हैं। स्टेशन से थोड़ी देर में ट्रेन आएगी और यहाँ से रांची के लिए निकल गए हम। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।